नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने लॉन्च किया भारत दर्शन यात्रा। IRCTC की तरफ से नॉर्थ ईस्ट में प्रचार प्रसार की अपील। भारतीय रेलवे की तरफ से पर्यटन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम भारत दर्शन रखा गया। इसके तहत भारत में कहीं पर भी घूमने के लिए पर्यटकों को प्रतिदिन के हिसाब से 900 रुपये रखा गया, जिसमें GST के रूप में 5% के हिसाब से कुल मिलाकर 965 रुपये देना होगा। भारत सरकार में नॉर्थ ईस्ट के प्रचार प्रसार के लिए उद्देश्य से आज सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे कार्यालय में IRCTC के जनरल मैनेजर अनुज दत्ता पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकार को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे की तरफ से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नए प्रोजेक्ट भारत दर्शन की शुरुआत की गई, जिसमें अब तक पूरे भारत में करीब 200 भारत दर्शन करवाए हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया। इसलिए यहां पर प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ही बार नॉर्थ ईस्ट के पर्यटक के लिए भारत दर्शन को लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत दर्शन यात्रा के तहत भारत के किसी भी कोने में जाने के लिए पर्यटक को 900 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसमें यात्रियों को सिर्फ 5% GST के हिसाब अतिरिक्त 945 रुपये देना होगा। IRCTC के जनरल मैनेजर अनुज दत्ता ने आगे बताया कि इस बार भारत दर्शन के अंतर्गत 3 स्थानों को शामिल किया गया, जिसका नाम गंगा दर्शन दिया गया। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी शामिल हैं। यात्रियों को इस भारत दर्शन यात्रा में पर्यटन के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है। यात्रियों को इसमें खाने से लेकर पानी तक का भी सभी बिल POS मशीन लगे हुए हैं। बिल ना मिले पर यात्री पैसा नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही कोच में पर्यटकों की सुविधा के लिए एक मेटल बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें सारी जानकारी पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहेगी। श्री अनुज दत्ता ने आगे कहा कि भारत दर्शन यात्रा में उन लोगों का सर्वोत्तम उद्देश्य यात्रियों के किसी भी प्रकार की शिकायत ना मिले, इसके लिए वह लोग हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। हमको सख्त निर्देश दिए हुए कि कोई भी पैसेंजर से शिकायत नहीं आनी चाहिए कि उसको बिल नहीं मिला। तो हम इसमें दिन प्रतिदिन जो संभव है हम कार्यवाही कर रहे हैं। जैसे हमारी जो ट्रेनें हैं, इनमें हमने POS मशीन ऑलरेडी लगा दिया है, इनमें POS मशीन लगा दिया है, और सख्त हिदायत है कि POS मशीन से बिल दिया जाए हर पैसेंजर को हर खाने के लिए। तो वो उसमें सख्ती है। अभी हम लोग ने जो हमारी ट्रेन है उसमें हमारा जो केटरिंग का सुपरवाइजर है उसको भी ऑनबोर्ड भेजना शुरू कर दिया है। तो कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह चल रहा है, तो पार्शली हम मतलब ऑनबोर्ड भेज पा रहे हैं, सब ट्रेन में नहीं भेज पा रहे, लेकिन हम उसमें आगे बढ़े हैं। और दूसरा एक और चीज़ जो किया गया है वो ये है कि कोच में, हर कोच में मेटल का बोर्ड फिक्स कर दिया जा रहा है। वहाँ लिखा ही रहेगा कि अगर बिल नहीं मिला तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी काम हम कर रहे हैं, मेटेलिक बोर्ड कोच में फिक्स कर रहे हैं। तो हाँ, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वी आर इनटू इट। और ये बिलिंग वाला जो है, अभी मैं कल शताब्दी से आया, तो शताब्दी में अगर आप एक्स्ट्रा पानी लेते हैं जो आपको एलिजिबल नहीं है, फिर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए भी मैं उसमें भी इम्प्लीमेंट करा के आऊँ कि बिल देगा आपको, POS मशीन से बिल देगा। तो वी आर इनटू इट, वी आर चेजिंग इट हार्ड, एंड वी विल इंश्योर कि ये 100% ये इफेक्ट में आए, कि पैसेंजर सेटिस्फेक्शन तो सबसे पहली चीज है।